बोधे प्रकाशति भजोति नमस्तुते ओम दिव्यो नमः। प्रयागराज में एक मठ ऐसा भी है जहां 170 सालों से अखंड ज्योति लगातार जल रही है। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भले ही सन 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम से शुरू हुई, लेकिन इसका चिराग बहुत पहले जल चुका था, जो आज भी बिना बुझे संगम नगरी प्रयागराज में एक आश्रम में धर्म की ज्योति के समानांतर आजादी की अलख आज भी जगाए हुए हैं। स्वतंत्रता की पहली चेतना और संग्राम की ये वो प्राचीन निशानी है जो दिल्ली के इंडिया गेट पर जलने वाली अमर ज्योति से भी पुरानी है, जहां बिना किसी गतिरोध के आज भी राष्ट्रीय चेतना के सुर ईश्वर की भक्ति के समांतर गाए जाते हैं, जहां आज भी धर्म ध्वजा के साथ हर स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया जाता है तिरंगा। प्रयागराज के संगम तट के पास मौजूद त्रिवेणी बांध पर स्थित रामानंदचार्य की इस पीठ में रहने वाले साधु संतों और रामानंदचार्य के अनुयायियों को जितनी चिंता मंदिर में रखी गई रामानंद जी की मूर्ति की पूजा करने और रखरखाव की रहती है, उतनी ही चिंता रहती है इस मंदिर के अंदर सैकड़ों वर्षों से निरंतर जल रही इस अखंड ज्योति की, जो देश की आजादी के संघर्ष की गवाह रही। अगर इसे सबसे पुरानी लौ कहा जाए तो ये कहीं से कम नहीं होगी। ये अखंड संघर्ष ज्योति सन 1853 से लगातार जल रही है। आश्रम में मौजूद संतों और साधुओं के मुताबिक रामानंदचार्य संप्रदाय की परंपरा के संत सियाराम शरण एक सेनानी थे जो बाद में साधु हो गए। उन्होंने ही इस अखंड संघर्ष ज्योति को 1853 में जलाया था, जिसका मकसद देश में स्वतंत्रता की चेतना को जन जन तक पहुंचाना था। सियाराम शरणदास के बाद इस परंपरा को महंत बालकदास ने आगे बढ़ाया, जिसके बाद आज तक बिना बुझे ये ज्योति जल रही है। समय समय पर भले ही मठ का विकास हुआ हो, लेकिन सालों से जली आ रही अखंड ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया गया। आजादी के मिलने के बाद देश प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए अखंड ज्योति को जलाकर रखा जा रहा है। जिस श्रद्धालु को इस अखंड ज्योति के बारे में पता चलता है, वो एक बार इसका दीदार करने जरूर आता है। ये 7 पीढ़ियों से जल रही है और ये 1853 से काफी समय जल रही है और हम तो बचपन से देखते आ रहे हुए हैं, तो ऐसी जलती हुई है 24 घंटे जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। और जलाई गई थी आजादी दिलाने के लिए, तो इसका बढ़िया उच्चारण हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया विधान चल रही है। श्रवण किया, मैंने सुना दूरे भी श्रुत्वा, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये प्रतिष्ठित स्थल है, इसके दर्शन मात्र से लोगों का हित हुआ है और हित हो रहा है, इसी कारण से मैंने यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। ज्योति बराबर जल रही है, बहुत प्राचीन जल रही है, बहुत पुरानी, और यहाँ के जितने भी कार्य क्षेत्रकर्ता हैं बड़े विधान से जो भी यात्री आते हैं उनकी व्यवस्था बनाते हैं और दीपक जलता ही प्राप्त होता है, ये बराबर जल रहा है। बता दें कि इस अखंड ज्योति के अलावा इस आश्रम में ये भी परंपरा है कि यहाँ के ईश्वर की आराधना के साथ आजादी की गाथा का भी वाचन होता है। समय बदला, दौर बदला, तो इनका मकसद भी बदल गया। आजादी के बाद यहाँ राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सद्भाव के प्रसंग पढ़े और सुने जाने लगे। आज भी ये धर्म ध्वजा के साथ ही देश की आजादी का शान तिरंगा भी पूरी शान से लहराता है। देश को आज़ादी दिलाने में भले ही पहली जंग 1857 में लड़ी गई हो, लेकिन प्रयागराज में एक ऐसा भी मंदिर है या फिर कहें कि मठ है जहां पर इसकी अलग जो है आज़ादी की वो 1853 में ही रख दी गई थी। हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र स्थित एक मंदिर में। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने आपको एक अखंड ज्योति जो है वो दिखाई दे रही होगी, यहाँ के पुजारी जो हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और ये वही वो अखंड ज्योति है जो यहाँ पर 1853 में बताई जाती है, जो जलाई गई थी, जो अब लगातार तकरीबन 7 से 8 पुश्तों से लगातार इस ज्योति को जलाया जा रहा है, बुझने नहीं दिया जाता है। और बेहद कम लोग को पता होगा कि संगम स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर के बगल एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर रामानंदाचार्य का एक मंदिर है, और उस मंदिर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अखंड ज्योति जो है वो निरंतर जलती है। उद्देश्य सिर्फ ये था कि देश को आज़ादी मिले, और अब जब आज़ादी मिल गई है तो उसके बाद विश्व में शांति रहे, देश में शांति रहे, सभी वर्गों का कल्याण हो, इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो इस अखंड ज्योति को जला करके रखते हैं। जितने भी यहाँ पर दूर से भी लोग आ रहे हैं,
उनका भी कहना है कि जब वो यहाँ पर आते हैं, लेटे हुए बजरंगबली का दर्शन करते हैं, तो तब उनको कुछ पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर अखंड ज्योति 1853 से जल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अलग सा मंदिर प्रयागराज के संगम स्थित में मौजूद है जहाँ पर अखंड ज्योति 1853, मतलब कि अब से 170 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि एक ज्योति निरंतर जल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रजा, पंजाब की सी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।